अरे उठो उठो, कैसे गिर गए यार तुम? उठो क्या यार, मेरा सारा वीडियो खराब कर दिया तुम। क्या भैया, फिर से गिरना पड़ेगा? अरे यार मैं बस तुम्हारी मदद कर रहा था, तुम गिरे थे तो। ओ भाई बेवकूफ है क्या, हम तो अपना कंटेंट बना रहे थे टिकटॉक पे डालने के लिए। पर भाई चलिए हटिए ना। भाई ये बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़कर फोन के साथ क्या कर रहे हैं कि मार मार मार? भाई ये सब एक पबजी नाम का गेम है, वही खेल रहे हैं, उसी में अपने में मार 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 कर रहे हैं। ओह क्या होगा अब देश का यार, यही हाल है सबका भाई। ओ बाबू जरा सुनना इधर। अबे एक मिनट रुकना। अरे यार तो गजब बदतमीज से बात कर रहा है लड़का ये। हाँ दोस्त आजकल के बच्चे ऐसे ही हो गए हैं। बोल भाई ये क्या कर रहे हो वहाँ बैठ के? बाबू जैसे मम्मी घर पे बनाती है सब्जी वैसे हम खेलते हैं पबजी। उसमें क्या होता है? अच्छा भी आपको नहीं पता? अच्छा सुनिए, उसमें आर्मी की तरह दुश्मनों को मारते हैं। अरे उसमें स्नाइपर और एकेएम से मारने में मजा आता है ना। पर भाई अच्छा भी हमारा गेम स्टार्ट हो गया। चलिए देख लिए आजकल के यूथ के सोच क्या है। क्या हुआ दोस्त, तुम उसी समय से उदास लग रहे हो? क्या भाई सिर्फ हम फौजी लगे इस देश की सेवा करें, आम जनता कोई दायित्व तो नहीं बनता? नहीं भाई, देश के हर नागरिक का फर्ज है कि इस देश की सेवा करें। तो फिर इस देश के लोग हमारे साथ क्यों नहीं देते? हम वहाँ बॉर्डर पर चीनी सैनिकों के आँख में आँख मिला कर खड़े हैं, वहाँ युद्ध का माहौल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। पर यहाँ के लोग हमारे देश की इकोनॉमी को कमजोर कर रहे हैं, दूसरे देशों जैसे कि चाइना के प्रोडक्ट खरीद कर, जो हमारे देश को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। यहाँ हमें चाइना के सामान को बहिष्कार कर अपने देश के सामान खरीद कर अपने देश की आर्थिक स्थिति को मजबूर करनी है। तुम सही बोले, आज से मैं कोई भी चीनी सामान नहीं खरीदूंगा। सिर्फ मेरे तुम्हारे खरीदने से कुछ नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार। पर छोड़ो अब, कल मेरी छुट्टी खत्म हो जाएगी, जैसे देश के सेवा में लग जाऊंगा वहाँ सब मूड बढ़िया होगा। चलो लेकिन अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीनी फौज के बीच झड़प हुई है, बड़ी खबर इस समय की। हेलो कौन? क्या ये क्या कर रहे हो तुम लोग सब? क्या आपको दिख नहीं रहा हम लोग चाइना के सामान का बहिष्कार कर रहे हैं? ऐसे चाइना का फोन यूज कर रहे हो, चाइना का ऐप में वीडियो बना रहे हो? अरे भाई लोग अगर बहिष्कार ही करना है तो पूर्ण बहिष्कार करो ना, ये 2 से 3 दिन के दिखावे से क्या होगा। हाँ मुझे पता है हम चाइना के सामानों से घिरे हुए हैं, चाइना के सामानों का दाम कम है, पर भाई भले अपने सामान थोड़े महंगे हैं पर इसमें दम है और ये पूरे हमारे देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगा। पर हम सिर्फ अकेले क्या कर सकते हैं? अकेले कहाँ हो तुम लोग, ये सब लोग हमारे साथ है जो अभी हमें देख रहे हैं, अभी सुन रहे हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप हमारा साथ देंगे इस देश को और मजबूत बनाने में। आप साथ दोगे इस देश को आत्मनिर्भर बनाने में। स्वदेशी अपनाओ, फ्यूचर बचाओ और एक बेहतर देश बनाओ।